Welcome to all dear teacher students. Today we are going to start 9th class General Science Chapter 2 Chemistry and Life. Before starting our chapter, there are some important terms which are necessary to explain. First term is matter. Anything which occupies space, volume, एंड हैज़ वेट इज कॉल्ड मैटर. हमारे इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसे मैटर कहा जाता है. अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र डालें, आपकी बुक में, आपके हाथ में बुक है, पेंसिल है, इनका वज़न भी है और आप देखते हैं कि ये जगह भी घेरती हैं. तो ये आपकी बुक, आपकी पेंसिल, आपकी चेयर, आपकी टेबल, ये तमाम चीज़ें मैटर से बनी हुई हैं. मैटर कैन बी डिवाइड इंटू टू टाइप्स, लिविंग थिंग्स और सब्सटेंस एंड नॉन लिविंग थिंग्स और सब्सटेंस. मैटर को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में. अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग में आप नज़र डालें, आपको अपने रूम में बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो लिविंग हैं और बहुत सी जो नॉन लिविंग हैं. लिविंग में तो सबसे पहले आप खुद हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर आल्सो इंक्लूडेड इन लिविंग थिंग्स. आपके इर्द गिर्द बर्ड्स होंगे, आंट्स होंगी, एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें लिविंग थिंग्स में आती हैं. आपके प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे और इसके साथ साथ आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो आपकी बुक है, पेंसिल है, डोर है, विंडो है, ये तमाम चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में शामिल हैं. लिविंग मैटर कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आपके पास जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, ये तमाम जो हैं ये लिविंग थिंग्स में शामिल हैं. नॉन लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ थिंग्स अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स. आप अपने सराउंडिंग में देखें, आपके पास जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो तो लिविंग थिंग्स में आ गए, तो प्लांट्स और एनिमल्स को छोड़ के जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं वो तमाम नॉन लिविंग थिंग्स में शामिल हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, बुक, डोर, टेबल, चेयर, एक्सेट्रा. नॉन लिविंग थिंग्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस या थिंग फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट, एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. एलिमेंट वो प्योर चीज़ हैं, प्योर सब्सटेंस हैं जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलके बना होता है. इट कैन नॉट बी ब्रोकन इंटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड. तो इसी वजह से एलिमेंट को किसी भी फिजिकल या केमिकल तरीके से तोड़ा नहीं किया जा सकता, सिंपल नहीं किया जा सकता. एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन. एलिमेंट क्योंकि एटम से मिलके बना होता है, तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिसे जो अपनी आप अपने ऑन पर रह सकता है और रह नहीं भी सकता, अपनी शिनाख्त बरकरार रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता. एटम की एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा. एलिमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड आ जाता है. कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो. अब देखिए, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब एक फिक्स्ड रेशियो में, एक फिक्स्ड मिकदार में आपस में इकट्ठे होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो कंपाउंड बनता है. एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो हमारे पास वाटर बनता है. अब देखें, हमारे पास ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, लेकिन वाटर एक कंपाउंड है. हमारे पास इसका एलिमेंट और कंपाउंड का एक पिक्टोरियल व्यू है. अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो येलो कलर के और ब्लू कलर के प्योर एलिमेंट्स हैं. यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह के, एक ही काइंड के एटम्स पाए जाते हैं. हीलियम के एटम हैं तो ये सारे येलो कलर के हैं, और ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स हैं तो ये भी सारे ब्लू कलर के हैं.
इनमें आपको कोई दूसरा कलर मिक्सअप नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे अगर कंपाउंड में देखें तो कंपाउंड में हमारे पास ब्लू और रेड कलर दोनों आपस में कंबाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पर टू एटम हाइड्रोजन बॉन्ड विद वन ऑक्सीजन एटम, तो ये कंपाउंड्स हैं। अब यहाँ से आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो प्योर वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बने हैं, जबकि कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा काइंड के एटम जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। एक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्योर सब्सटेंस हमारे पास एलिमेंट हैं और कंपाउंड है। एलिमेंट में आपको देखिए ये तमाम ग्रीन कलर के एटम नज़र आ रहे हैं जो सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम हैं, लेकिन कंपाउंड में आपके पास ये ब्लू ग्रीन और पर्पलिश कलर के एटम आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये दो तरह के एटम आपस में कंबाइन हो चुके हैं। अपनी बुक की तरफ अब वापस आते हैं। अब बेसिक टर्म्स का आपको आइडिया हो चुका है। इंट्रैक्शन, एवरीथिंग अराउंड अस इज कंपोज्ड ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइव्स। हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बुनियादी एलिमेंट है वो बुनियादी आंसर है वो एक एलिमेंट है। एज़ यू नो दैट एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसे हम मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। देयर आर अबाउट 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। साइंसदानों ने अब तक 92 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया है। ये तादाद फिक्स नहीं हो सकती क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है साइंसदान काम करते हैं तो ये तादाद ज़्यादा होती जाती है। एलिमेंट्स कंबाइंड विद वन अनदर इन द डिफरेंट प्रोपोर्शंस टू फाइंड कंपाउंड्स विद विच आर एवरीथिंग फ्राम देयर एयर दैट वी ब्रीथ टू द वुड दैट वी यूज टू बिल्ड अवर होम्स। अब यहाँ से देखें एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। ये कंपाउंड्स हमारे पास इर्द गिर्द हर जगह मौजूद हैं। हवा में जिसमें हम सांस लेते हैं, हवा से लेकर लकड़ी तक जिसे हम अपने घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। अब कंपाउंड की डेफिनेशन आपके पास क्या है कि कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंसेस हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं। कंपाउंड कैन बी कंपोज्ड इनटू सिंपलर प्योर सब्सटेंसेस। कंपाउंड को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिंपलर ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास थ्रू वाटर टू फॉर्म द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मिसाल के तौर पर अगर पानी में से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाए तो ये पानी को इसके सिंपलर एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील कर देगा। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम देखें तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स से मिलकर बनी होती हैं, विच हैव मेड अवर लाइव्स कम्फर्टेबल एंड इंजॉयबल, जिसने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान और प्रसरत बनाया है। एट द सेम टाइम वी सी दैट ड्यू टू देयर फ्रिक्वेंट यूज एंड एप्लीकेशन इन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ हैज़ रिजल्टेड इन द जनरेशन वेस्ट ऑफ डिफरेंट नेचर। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इन्हीं चीज़ों के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बहुत ज़्यादा नकारा फजूलियात भी पैदा हो रही हैं, फितरत जो है वो ख़राब हो रही है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट केमिकल कंपोजिशन ऑफ सम कॉमन मटेरियल्स अलॉन्ग विद फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने सिर्फ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ना था। आगे चलकर हम मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ों की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो एलिमेंट्स भी होंगे और कंपाउंड्स भी। थैंक यू।